चलिए बड़ी सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट. सो मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर है ना एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द मनी. जहां पे बायर और सेलर अपना गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज व्हाट? मार्केट. एंड मार्केट, हम लोग जो मार्केट देख रहे हैं ना, इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? आपका कॉम्पिटिशन. मार्केट सब छोड़ो सर, पहले खाने की बात करो फिर स्टडी पे. हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. सही बात है. हाँ जी. सो मार्केट हम लोग जो देख रहे हैं, इट इज विच इज बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? आपका इट इज बेस्ड ऑन कमन एवरीबॉडी. कॉम्पिटिशन के ऊपर बेस्ड है. सो अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन के ऊपर, तो सबसे पहला मार्केट हमने कल जो देखा था, दैट इज व्हाट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन. दैट इज व्हाट बेटा? आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सी, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये कॉम्पिटिशन प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है यार, है ना. हाँ, बट मोर एंड लेस अगर आप जानना चाहो, मोर एंड लेस अगर जानना चाहो, तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये वो मार्केट है जहाँ पे, ये वो मार्केट है जहाँ पे वेजिटेबल्स बेचे जाते हैं. मतलब वेजिटेबल मार्केट इज, वी कैन कंसिडर एज अ व्हाट? एज अ व्हाट बेटा? आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन. एकदम परफेक्ट नहीं है, बट यस, मोर एंड लेस बोलते हैं ना उसके जैसा. जैसे जुड़वा, जैसे जुड़वा क्या एकदम, मुझे बताइए, जो जुड़वा लोग हैं वो एकदम एकदम सेम दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं. एकदम सेम दिखते हैं क्या? नहीं देते हैं. बट मोर एंड लेस क्या दिखते हैं दोस्तों? सेम दिखते हैं. मोर एंड लेस क्या दिखते हैं दोस्तों? सेम दिखते हैं. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एवरीबॉडी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. सेकेंड वन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या है यारा? सेलर है. बायर भी बहुत सारे हैं, सेलर भी बहुत सारे हैं. बायर भी बहुत सारे हैं और आपके सेलर भी बहुत सारे हैं. अच्छा सर, अच्छा सर, ऐसा? बायर भी बहुत सारे हैं और सेलर भी बहुत सारे हैं. जी बेटा, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. सेलिंग, सेलिंग कौन से प्रोडक्ट? सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. बताओ, सेलिंग कौन से प्रोडक्ट? सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? मेरा वीडियो नहीं आ रहा है. आ रहा है ना? सेलिंग व्हाट? होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम इन ऑल एस्पेक्ट, सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस, एकदम सेम, एकदम डिट्टो डिट्टो सेम. अगर प्रोडक्ट सेम है तो बताइए प्राइस कैसी होगी? प्राइस भी कैसा होगा आपका? सेम प्राइस होगा, जिसको हम बोलते हैं सिंगल प्राइस. जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिंगल प्राइस. ओके, एंट्री और एग्जिट क्या है? मैंने क्या बोला? ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम. हाँ है ना? सो फ्री एंट्री एंड एंड व्हाट? फ्री एग्जिट. आओ तो वेलकम, गए तो भीड़ कम. आओ तो वेलकम, गए तो भीड़ कम. कोई दिक्कत ही नहीं है. रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. अब सुनो, इस मार्केट में ना प्रॉफिट कैसा होगा? एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट. एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट. देखो, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, है ना. सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट. क्या इस मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा पाएगा? आंसर इज नो. क्यों नहीं कमा पाएगा? क्योंकि सबका प्राइस सेम है यार. देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम कमाते हो जब आपका प्राइस ज्यादा होता है. व्हेन यू चार्ज एक्स्ट्रा प्राइस ना, तो जाके वो क्या कमाते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाते हैं. जैसे आज हम लोग बोलते हैं फाइव स्टार होटल में ना बहुत पैसा. क्यों? अरे दे चार्ज ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक दिन के रूम का 7-8 thousand वो चार्ज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे शांतनु बोलता है सर 500 रुपये में हम तो ओयो में रह जाते हैं, और वहाँ पे 7,000-8,000 रुपये. तो जब वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो ही तो वो उनको सुपर प्रॉफिट हो पाएगा. तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा है? सुपर की नॉर्मल, सुपर की नॉर्मल. तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा नॉर्मल. यहाँ पे प्रॉफिट कैसा होगा? नॉर्मल. ठीक है सर. सर प्राइस कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे कोई भी बायर या कोई सेलर है ना प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पाएगा. कोई भी बायर या कोई भी सेलर, इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर ना प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएगा. रीजन ये है, इतने सारे बायर हैं. अगर कुछ बायर नहीं भी आए ना तो हमको फर्क नहीं पड़ता. साउंड का फील आप ले लीजिए. हाँ है ना, हमको फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट है, अगर कुछ बायर नहीं आ रहे. अच्छा, कुछ सेलर नहीं है. अरे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, मैं अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करता हूँ, जूम पे नहीं करता हूँ. कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग ऑन. हाँ, अभी कल इधर लिख लूंगा रिकॉर्डिंग ऑन है करके, है ना. चलिए. सो ना तेरे
यहाँ पे बेटे क्या बात हो रही है, तो बात बहुत सुपर हो रही है, बात बहुत सही हो रही है। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है दोस्तों, बात ये हो रही है दोस्तों कि प्रॉफिट कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट है। और यहाँ पे प्राइस हम डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कल किशोर बोलता है कि सर मेरे ऑनियन का प्राइस ज्यादा होगा सर। अरे भाई तेरे ऑनियन में ऐसा क्या है जो मेरे ऑनियन में नहीं है, तेरे ऑनियन में ऐसा क्या है जो मेरे ऑनियन में नहीं है। तेरा भी सेम है, मेरा भी सेम है ऑनियन। हाँ है ना, तेरा भी सेम है और मेरा भी सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस कैसी होगी, सेम ही होगी। तो यहां पे प्राइस हम लेक्चर में हूं। अरे बाबा कब से ऐसे ही मैं बकबक कर रहा हूं, एनर्जी वेस्ट करवा दी तुमने तो मेरी। जो नींद में है ना, उठ जाओ जल्दी, उठ जाओ। अमितेश मस्त हो, मस्त लौंडों को लेके बैठा आराम से। हाँ पार्टी चल रही है, बोले चलो आओ दोस्तों को उसने इकट्ठा कर लिया। मस्त बोले आओ, बोले कॉमेडी शो दिखाता हूँ, बोले हमारे सर फुल कॉमेडी करते हैं, बोले सर आ जाओ। बोले क्या तुम सबके सब सीएस कर रहे हो, सब सीएस कर रहे हो कि अच्छा फुटबॉल। ओहो वाह वाह बेटे, मोच कर दी बेटे, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले हैं। फुटबॉल खेलते खेलते आ गए, बोले चलो बोर हो गया फुटबॉल खेलते खेलते, आ जाओ थोड़ा सा कॉमेडी दिखाता हूँ तुमको, हमारे सर बहुत 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 अच्छा कॉमेडी करते हैं। बताओ चलिए, प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर। सी फर्स्ट वन इज वॉट प्राइस टेकर एंड द सेकंड वन इज वॉट प्राइस मेकर। जो खुद का खुद डिसाइड करता है, जो खुद का खुद डिसाइड करता है प्राइस, उसको हम बोलते हैं मेकर। और जिसका कोई और डिसाइड करता है उसको बोलते हैं टेकर। प्राइस की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। तो यहां पे यारा एकदम सिंपल सी बात है। सी अकेला बंदा ना प्राइस डिसाइड कर पाएगा, ना बायर कर पाएगा, ना सेलर कर पाएगा। रीजन क्या है निशिका, रीजन क्या है? अकेले बायर से मार्केट, अकेला बायर है ना डिमांड पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और अकेला सेलर सप्लाई पे अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। अरे भीड़ मची है भाई, तो बायर से भी डिमांड में अफेक्ट नहीं आएगा और सेलर से भी डिमांड में अफेक्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं यहां पे दे आर दी व्हाट प्राइस टेकर। कम ऑन एवरीबॉडी, प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, प्राइस टेकर। आदित्य भाऊ समझा क्या तू? पक्का मेरे को देख रहा ना, सच्ची मेरे को देख रहा ना तू? वेरी गुड बेटा, आदित्य वही आदित्य है ना? हाँ हाँ वही आदित्य है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए सो प्रॉफिट, जो लोग हंस रहे हैं प्लीज कंट्रोल करिएगा। ओके अब बात कर रहा हूं, हल्की हल्की सी मुस्कान दिख रही है आपके चेहरे पे। ओके प्रॉफिट कैसा हो रहा है? नॉर्मल। एक बार रिपीट कर दूं? ठीक है रिपीट कर दूं। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर समझिए। सी मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना शांति से। प्राइस आज एक बात बताइए, ऑनियन का प्राइस है ना कौन डिसाइड करता है पता है? डिमांड एंड सप्लाई। कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। अकेला सेलर डिसाइड नहीं करता है, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है। उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, उसके हिसाब से क्या होता है प्राइस डिसाइड होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया आप प्राइस टेकर हो, क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। अब अकेला बंदा बैठा है, मैंने कल क्या बताया, ए किशोर भैया कहाँ हो आप, आपकी जरूरत लगेगी हमको, आइए इधर आइए किशोर भैया, इधर आइए, आइए भैया आइए किशोर भैया ना यहाँ पे आ जाओ बेटा, आ जाओ किशोर भैया, पैकेट बेचते हैं, आओ बेटा पैकेट देता हूँ तेरे को, आओ ये ले, ये लो आओ पैकेट दिखाओ सबको। किशोर भैया पैकेट बेचते हैं, करेक्ट है? ये देखो, दिखाओ सबको दिखाओ, क्या है पैकेट पे लिखा है? गिरनार देसी कौवा ग्रीन टी। कावा, कावा खवा नहीं होता, कावा होता है, कावा मतलब काढ़ा है ना। चलिए ओके, सर्दी हो रही है, ये ग्रीन टी पी ले मस्त हो जाएगा। हाँ जी अब देखो यार, ये मेरा पैकेट है, ये इसका पैकेट है, दिखाओ पैकेट दिखाओ, बहुत बढ़िया वेरी गुड बेटा। इसने प्राइस रख दिया 12 रुपए, मैंने रखा 10 रुपए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सबने प्राइस 10 रुपए रखी है, इसके पास कोई जाएगा क्या? ये डेढ़ डेढ़ होशियार आदमी प्राइस मेकर बनना चाहता है, बोले मैं तो अपना खुद ही डिसाइड करूंगा,
मैं तो अपना खुद ही डिसाइड करूंगा, इसके पास कोई जाएगा क्या? तनिषा आप जाओगे इसके पास, लोगे ये ग्रीन टी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। खुशी मैडम तुम? नहीं बिल्कुल नहीं। आदित्य भाई तू जाएगा इसके पास? हाँ, अगर अगर बेचने वाला अगर वाली होती, वो भी वाली अगर वो वाली होती तो बात अलग है, तो बात अलग है, बाकी तो सवाल ही नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं सी यहाँ पे हम लोग कौन है, प्राइस टेकर है, क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को क्या वर्ड यूज करते हैं, इंडस्ट्री। प्राइस डिसाइड करेगी और वही प्राइस हमको लेना पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर व्हाट बेटा, प्राइस टेकर। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम लोग क्या है बेटा, प्राइस टेकर है। सुनना बेटी, थोड़ा सा वो उसमें गर्म पानी कर देना ना, है ना, मेरे को ग्रीन टी दे दे। सो क्या बोला गया, प्राइस टेकर एंड सेकेंड वन इज व्हाट, प्राइस कौन डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस डिसाइड करेगी इंडस्ट्री, प्राइस कौन डिसाइड करेगी, इंडस्ट्री, और वही प्राइस हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बड़ी, वेरी गुड बेटा, प्राइस टेकर। ओहो वाह 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 वाह, यहाँ पे डिमांड कैसी होगी, सबका प्राइस सेम है, आप किसी से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, मतलब प्राइस सेम लेकिन डिमांड चेंज हो रही, कभी आपने इससे खरीद दिया, कभी आपने उससे खरीद दिया। ठीक है, सपोज आप सभी व्यक्ति जितने भी लोग हैं ना, आप जितने भी लोग हैं ना, सबके सब क्या बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो बेटा, सबके सब आलू बेच रहे हो बेटा, करेक्ट है, आलू बेच रहे हो। अब मेरे को एक बात बताइए, सबके सब आलू बेच रहे हो, लेट से मैं यहाँ पे पहले सबसे ऊपर प्रेक्षा दिख रही है मेरे को, मैं प्रेक्षा से खरीद लूँ, या रेणुका से खरीद लूँ, या संस्कृति से खरीद लूँ, या तो अनंत से खरीद लूँ, या तो किंजल से खरीद लूँ, या तो सृष्टि से खरीद लूँ, मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ, क्यों, प्राइस सबका सेम है भाई, प्राइस सबका सेम है, तो प्राइस सेम है फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, ये कौन सा टाइप है, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड चेंज हो रही है, ये कौन सा टाइप है। आर्ट का अनाउंसमेंट है, बिल्कुल अनाउंसमेंट है, कौन सा टाइप ये बताइए, टाइप कौन सा बताइए, अरे इन्फानाइट, ओम आई लव यू टू, इधर आ तेरे को गिली पप्पी देता हूं, इधर आ तू जल्दी, तेरे को गिली पप्पी देता हूं मैं, वेरी गुड, मतलब इन शॉर्ट दिस इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक, क्यों, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड चेंज हो रही है, इनफाइनाइट चेंज, दिस इज व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक, भाई डिमांड में चेंज हो रही है, प्राइस उतना ही है, डिमांड में चेंज हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। लव यू सर, दूर से पप्पी दे दो, ये ले, दूर से ले ले, आदित्य बोला समझ नहीं आ रहा, तेरे को समझ कैसे आएगा कि कहीं पे निगाह है कहीं पे इशारा, कैसे समझ में आएगा तेरे को, ध्यान दे यहां पे, फोकस, करियर बना भैया, करियर बना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस सेम है, अगर सेम प्राइस पे डिमांड चेंज होते रहती है, मुझे बताइए निशिका, सेम प्राइस है और प्राइस पे डिमांड चेंज होते रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा टाइप है ये बताइए। पहला हमने क्या देखा था, नो चेंज, जिसमें डिमांड में कोई चेंज नहीं है। दूसरा हमने देखा था लेस चेंज, जिसमें डिमांड में कम चेंज है। यूनिटरी, इक्वल चेंज। मोर चेंज, और लास्ट वन क्या था, इन्फानाइट चेंज। इन्फानाइट मतलब प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो, इनफाइनाइट चेंज। तो ये कौन सा हो गया, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, हॉरिजॉन्टल ग्राफ, सही बात है श्रुति, वेरी गुड बेटा, डन। आगे बढ़ू निशिका, डन, कहाँ गई, दिख नहीं रही है निशिका आज, एक मिनट, चैट पीछे आ रही है, दिख गए, नहीं दिखी, ओहो मस्त, आज स्कूल वाली चोटी डाल के आई है, ये दो दो, क्या बात है। चलिए, दिस इज व्हाट परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। पूछो ना क्यों, लिखने की जरूरत नहीं है, पूछ लो सिर्फ, ऐसे पूछ लो, क्योंकि प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट कब करते हो, जब आप में कुछ यूनिकनेस है। अरे एडवर्टीजमेंट कब करते हो, जब आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है, जैसे बात समझना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, फेयर एंड हैंडसम मर्दों वाली क्रीम, यूनिकनेस है ना कि मर्द ये क्रीम लगाते हैं, गोरा तो फिर भी नहीं होना है, सवाल ही नहीं आता है, करेक्ट है। सेकेंड, फेयर एंड लवली,
फेयर एंड लवली, ये आपको गोरा करेगी, यूनिकनेस है। इसीलिए क्या होता है भैया, इसीलिए क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होती है। यहाँ तो सबके प्रोडक्ट ही सेम है बाबा, इसका भी सेम, उसका भी सेम, तेरा भी सेम, मेरा भी सेम, सबका सेम, तो क्या ही करोगे एडवर्टीजमेंट करके, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ दमखम नहीं है ना, यूएसपी नहीं है ना, बेचने वाली चीज नहीं है, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कुछ भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। बट ये मिथ है। मिथ मतलब क्या, मिथ मतलब ऐसा मार्केट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। मोर एंड लेस एग्जैक्टली ऐसा मार्केट तो नहीं है, बट मोर एंड लेस वेजिटेबल मार्केट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। या फिर जेरोक्स फोटोकॉपी, फोटोकॉपी तारी फोटो नती 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 फोटोकॉपी, हाँ फोटोकॉपी निकालने गए हो आप? नहीं सर, वो सिर्फ यामी गौतम को गोरा करती है, फेयर एंड लवली। हाँ कभी हम जैसे लोगों को लेके बताओ ना यार, हमको गोरा करके दिखाओ तो माने कि तुम्हारी क्रीम में दम है, यस और नो? या फिर तुम क्रिस गेल को लो और उसको गोरा करके दिखाओ, मैं बोलो तुम्हारी क्रीम काली हो जाएगी बेटा, वो गोरा नहीं हो सकता। तो तुम एडवर्टीजमेंट ठीक है, वो लक्स की एडवर्टीजमेंट आती है, इतू सा लक्स, अब इतू सा लक्स जो आपको दे सुंदरता का निखार। अबे इधर पेटी की पेटी खाली कर दी हमने लक्स लगा लगा के, सुंदरता आई नहीं अभी तक, क्या करें बताओ, बेवकूफ बनाते हैं यार, बेवकूफ बनाते हैं, क्या बोलने का। वो एक 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 क्रीम लेके आई है बेचारा अपना किशोर भैया है ना, जिससे पिंपल्स नहीं आते हैं, 3 दिन से फेस वॉश कर रहा है, उससे 4 पिंपल ज्यादा आ गए उसको। हाँ हाँ ना, मतलब एडवर्टीजमेंट की तो हद होती है। अच्छा एडवर्टीजमेंट आप साबुन का कर रहे हो और है ना, मतलब दिखा रहे हो कटरीना कैफ को, इतू सलक, और वो यहाँ पे कंधे पे साबुन, इतू सलक, इतू सलक, अरे हम ऐसा रगड़ते हैं ना, है ना, करेक्ट है, तो भी साफ नहीं हो, और वो इतू सलक में साफ हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, आप संतूर लगाते हो। हाँ तेरे को तो मैंने वीडियो कॉल किया ना नहाते टाइम, देख मैं संतूर लगा रहा हूँ, संतूर लगाते हो आप, बोले मतलब हद है करके, स्टैंडर्ड है हमारा, हम साबुन जो कपड़े धोते हैं ना उसी से नहा लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड है हमारा। चलिए ये हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन, आगे बढ़ते हैं यार, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है यार, सेकंड ऐसा मार्केट है ना, सेकंड ऐसा मार्केट है जहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट है ना वो किसी के पास है ही नहीं, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, बिल्कुल आपके जैसे, और पोली का मतलब होता है सेलर, सिंगल सेलर, मतलब ऐसा मार्केट जहां पे एक ही सेलर है, सिंगल सेलर, एंड बायर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब आप है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपने घुटनों पे थोड़ा सा जोर देना बेटा। ओम बोल रहा है सर नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, रिपीट कर दो बेटा, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट की कब होती है, जब आप में कुछ यूनिकनेस है, प्रोडक्ट में कुछ नया है। जब सबका ही प्रोडक्ट सेम है तो एडवर्टीजमेंट क्या करोगे आप, आपके चक्कर में सबकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी और उनका वो पैसा कमा लेंगे, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सिंगल सेलर, जैसे इंडियन रेलवे, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा होगा, एक ही प्रोडक्ट है। जैसे मैंने ना एक आविष्कार किया, नई चीज़ों का मैंने एक आविष्कार किया कि मैं है ना घर पे, आप सभी के घर पे ना एक एक पाइपलाइन छोड़ दूंगा, किसका, एक गर्म पानी का, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, एक ठंडे पानी का, वो भी आपके पास है, एक वो पाइपलाइन जिससे आपको सोम रस मिलेगा, अमृत मिलेगा, अमृत, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, हाय ना। तो तीसरा पाइपलाइन मैंने डाल दिया, तीसरा पाइपलाइन मैंने वहां पे डाल दिया। अब ऐसा बिजनेस किसी ने सोचा ही नहीं था, और तो और मैं सोच रहा हूं मेरा पाइपलाइन का जो धंधा है उसको बढ़ाया जाए और एक एक पाइपलाइन आपके घर पे और डाल दिया जाए बर्गर का, कि थोड़ा सा पाइप खोलो ऐसा चप गए आपके पास बर्गर आए, फिर छोटा बटन दूंगा नीचे, वो बटन दबाओगे तो चटनी निकल के आएगी, सॉस केचप निकल के आएगा, अरे पैकेट में आएगा यार, पैकेट में आएगा यार, समझो, ऐसा गंदा फील मत करो, पैकेट में आएगा, यस और नो? तो अब मुझे बताइए यार, ऐसा बिजनेस चल रहा है हमारा, ऐसा बिजनेस चल रहा है हमारा, और ये बिजनेस पूरा मार्केट में कोई नहीं करता, अकेला बंदा है थारा भाई शुभम, अकेला है ये बिजनेस करने के लिए। तो बताइए सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो क्या मेरा कोई कॉम्पिटिशन है? हाँ ऐसी मशीन बना देंगे हम भैया, ऐसी मशीन बना देंगे, यहाँ से आलू डालेंगे और यहाँ से सोना निकलेगा, इधर से सीमेंट डालूंगा वहां से सड़कें निकलेगी, बताओ ऐसी मशीन बना देंगे हम, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इसलिए नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अब मुझे बताओ जब अकेला बंदी है, अकेला बंदा है, सॉरी अकेला बंदा है, मुझे बताओ अकेला बंदा अगर है whether he is price taker or price maker, whether he is price taker he or she,
प्राइस टेकर और प्राइस मेकर, खुद सोच के बताना। प्राइस मेकर क्यों भाई? मैं अकेला हूं, मैं जो प्राइस रखूंगा ना, मेरा वचन ही है शासन, मेरा वचन ही है शासन। क्योंकि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो हम दूसरी बार भी करते हैं। आई मीन टू से यहां पे डिफेंस एंड रेलवे इसका एग्जांपल है, करेक्ट है। यहां पे वी आर व्हाट बेटा? प्राइस टेकर, सॉरी प्राइस मेकर, मतलब हम प्राइस डिसाइड करेंगे। अच्छा, इस मार्केट में आप खुद सोचिए कि हम किसी को आने देंगे? आने देंगे बेटा? यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, मतलब मेरे जैसा प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं, तभी तो मेरा मोनोपोली है ना, तभी तो मेरा मोनोपोली। जैसे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का मोनोपोली है, दूसरा व्यक्ति बिजनेस चालू कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एंट्री कैसे, नेक्स्ट वन कैसे, एंट्री कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। इस मार्केट में एंट्री कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड। हम आने नहीं देंगे। अगर कोई नया बंदा आ गया, सेम मेरा बिजनेस का किसी ने कॉपी कर लिया, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना भैया, ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं मोनोपोली रहेगा ही नहीं मेरा। तो मोनोपोली में एंट्री कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हम नॉर्मली आने नहीं देंगे किसी को, नॉर्मली हम लोग आने नहीं देंगे किसी को। ओके, सो पहला सिंगल सेलर, भैया आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। हाँ, रिटायरमेंट का प्लानिंग वही है बेटा, रिटायरमेंट में वही करेंगे। लेकिन वो क्या गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, और अपने को क्या जमती नहीं है गाली देना, जमती है लेकिन दे नहीं सकते ना, तो पप्पा मारेंगे सट्टे के मेरे को, गली देता है बोले, गली देता है बोले। चलिए, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर वाइज। एक बार हुआ था बताए क्लास में, नया नया है ना पढ़ाना चालू किया था, एंड अब हॉस्टल में था यार, हॉस्टल लाइफ तो पता ही है ना, सेंटेंस में अच्छी बातें कम होती है और यू नो व्हाट है ना ज़्यादा होता। अब नया नया हॉस्टल में था उस टाइम पे, तो और हॉस्टल में तो आदत थी चिल्ला चिल्ला के एकदम प्रवचन सुनाने की सुबह सुबह, सारे तूने मेरा बकेट क्यों ले लिया, डैश डैश तेरी तो डैश डैश, समझ में आ रहा है, और गाली खाते भी बहुत थे तो आदत थी, और लेक्चर में पढ़ा रहा था छोड़ दिया फिर कंट्रोल, मैंने चूसे हुए आम ऐसा मैंने बोला, फिर चूसे हुए आम। ओके, करेक्ट है। सो सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, प्राइस मेकर है। क्या बोलेंगे? प्राइस मेकर है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। प्रॉफिट कौन सा होगा? टेल मी प्रॉफिट कौन सा होगा, मतलब मोनोपोली कौन सा प्रॉफिट कमा सकता है? सुपर प्रॉफिट कमा सकता है क्योंकि अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, प्राइस बढ़ा सकता है, बहुत बढ़ा सकता है, लेना तो आपको उसी से पड़ेगा। सो सुपर प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल सुपर प्रॉफिट हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, डिमांड कैसी होगी? सोचिए इलास्टिक या इनइलास्टिक, डिमांड कैसी होगी? एकदम थोड़े दिमाग पे ना थोड़ा सा जोर डालिए। इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज होगा, इनइलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज नहीं होगा। सोचिए, अगर सोचो पूरे 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 इंडिया में इकोनॉमिक्स पढ़ाने का एक ही बंदा है, वो भी कौन? श्री 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 108 श्री श्रीमान वंदनीय पूजनीय श्री 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 108 श्री वंदनीय पूजनीय श्रीमान परम पूज्य शुभम अंबर जी। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ना, तो आपके पास किस, आपको किसके पास आना पड़ेगा? ए 420 नहीं है, 108 है, बेशरम, करेक्ट है। तो बताइए उस केस में मेरा डिमांड कैसा होगा? इन इलास्टिक डिमांड होगा, मतलब आप डिमांड ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे डिमांड कैसा होगा? इन इलास्टिक डिमांड होगा। एग्जांपल इंडियन रेलवे, इस मार्केट का एग्जांपल कौन सा हो सकता है? इंडियन रेलवे या फिर अटोमिक एनर्जी, है ना, अटोमिक एनर्जी भी हो सकता है, बॉम्ब बनता है ना, दो चार, मेरा तो बहुत अच्छा एक पोर्टेबल बॉम्ब बनाऊं तुम्हारे लिए, जो मस्ती करे सर पे फेंक के मारो तुमको, छोटे वाले पोर्टेबल, छोटे वाले बड़े नहीं है बेटा। मन करता है आपका क्लास दिन भर करूं, तेरा तो मन करेगा ही रे आदित्य, मालूम है मेरे को तेरा मन करने का रीजन कुछ और है बेटा, मैं रीजन नहीं हूं। डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये नॉर्मल सेंस में, हमको एक्सेप्शन में नहीं जाना है। किसी ने पूछा सर डिमांड इंक्रीज भी तो हो सकती है? यस हो सकती है, बट हमको एक्सेप्शन में नहीं जाता, नॉर्मली सोचिए। अगर एक ही बंदा है तो आप उसी के पास, आप सोचो आपके पूरे मार्केट में आपके एक ही किराना वाला आदमी है, तो आपको उसी से क्या करना पड़ेगा? माल खरीदना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर में तक कोई है ही नहीं बंदा, तो आपको उसी से वो प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। सो इसीलिए वो उसका डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है। नॉर्मली सोचना है, नॉर्मली है ना, एकदम एक्सेप्शनली सोचना नहीं है, दिस इज नॉट मोनोपोली। अच्छा, जो मोनोपोली में जो सिंगल सेलर है ना, उस व्यक्ति का नाम है मोनोपोलिस्ट। सिंगल सेलर का नाम क्या है? मोनोपोलिस्ट।
उस व्यक्ति को देखो, स्पेलिंग देख लेना, मोनोपोलिस्ट बुलाते हैं हम लोग। सर आपकी वाईफाई की फोटो दिखाओ ना, बहुत डिमांड है। ए आयशा क्या कर रही है, 377 मेरी वाइफ का डिमांड कर रही तू, मैं खुद नहीं देखता उसकी फोटो। मतलब सुन लिया ना मेरे को, यू नो किला। ओके सो मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट मतलब सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्ट मतलब क्या, सिंगल सेलर। पूजा जय, पूजा नहीं, पूजिता, पूजिशा, पूजिता जैन, जय जितेंद्र। कांदा लहसुन नहीं खाना बेटा, है ना, चौमासा चल रहा है, बिल्कुल नहीं खाना बेटा। वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। मैं खाता हूँ लेकिन सर कन्फ्यूजन है। श्रुति बोलो किस में कन्फ्यूजन है बेटा। करिश्मा मैम कैसे हैं, बस प्रेग्नेंट, अच्छे हैं, अच्छे हैं। आई एम सॉरी, गल फ्लो फ्लो में स्लिप ऑफ टंग, यू नो गलती से निकल जाता है। आज 2 आवर्स की क्लास लो। श्रुति बेटा बोलना क्या कंफ्यूजन है, बताओ बताओ बेटा, बताओ बताओ ना, बताओ ना, जल्दी बताओ ना। सर आप बहुत फास्ट हो, वो तो मुझे पता ही है। अगर शादी 4-5 दिन, 4-5 महीने लेट हो जाती तो शायद से हार्दिक पांड्या पार्ट 2 हो जाता था। श्रुति ने आंसर पूछा नहीं, ठीक है चलिए। मोनोपोली एंड मोनोपोली, देखो मोनोपोली इज द मार्केट, मोनोपोली तो मार्केट है, और उस मार्केट में जो बंदा है ना, उस बंदे का नाम है मोनोपोलिस्ट, उस बंदे का नाम मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोली इज द मार्केट, और उस मार्केट में जो सेलर है, दैट सेलर को हम क्या बोल सकते हैं, मोनोपोलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड मार्केट पे, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक ये रियल लाइफ में मार्केट है बेटा आपका, मोनोपोलिस्ट नहीं है। देखो दोनों में डिफरेंस है यार, डिफरेंस है, और मेजोरिटी स्टूडेंट गलती करते हैं। यहां क्या लिखा है, एक बार स्पेलिंग बोलना, एक बार बोलना है लाउड लाउड एंड क्लियर एकदम। MONO, ये क्या अंजाम होगा, आगे देखते रहिए सावधान। क्या बोल रहा है बे ढोकले, चलो आगे। मोनोपोलिस की स्पेलिंग बोलो, MONOPOLIST। मोनोपोलिस्ट का मतलब, मोनोपोलिस्ट का मतलब द पर्सन हु इज अ सेलर इन मोनोपोली मार्केट, इट इज डिफरेंट। एंड मोनोपोलिस्टिक, पोलिस्टिक इज द थर्ड टाइप ऑफ मार्केट, इज द थर्ड टाइप ऑफ मार्केट। बराबर है, समझ में आ रहा है, मतलब सुन लो। मेघा जी किसका मैसेज आया आपको, सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, एकदम से लेक्चर देखते देखते आपने स्माइल जो दी है, क्योंकि मैंने तो अभी कोई जोक भी नहीं मारा है। किसका मैसेज आया है आपको बताइए, इसको कहीं तो नोटिफिकेशन दिखाओ ऊपर से। चलो मोनोपोलिस्टिक इज द रियल लाइफ मार्केट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शूज खरीदने जाते हो तो आपके पास एन नंबर ऑफ ब्रांड्स है, ठीक है, आपके पास नाइकी, आपके पास पूमा, आपके पास फिला है, आपके पास और भी बहुत सारे, आदिदास, बिंदास, क्या क्या ब्रांड आते हैं भाई साहब, क्या क्या ब्रांड आते हैं, करेक्ट है। देखो सुनो, तो एन नंबर ऑफ ब्रांड आपके पास है, एन नंबर ऑफ ब्रांड आपके पास है। आपको वो, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको क्या खरीदने हैं, लेट्स से कपड़े खरीदने हैं, तो एन नंबर ऑफ ब्रांड आपके पास है, डिजायर है, आर्मानी है, मतलब अलग अलग आपके पास ब्रांड है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब ये रियल लाइफ का मार्केट है। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स बहुत सारे हैं एंड सेलर भी बहुत सारे हैं। मेन चीज सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, हाँ ये देखने जैसा है। क्लोज सब मोनोपोली रियल में है ना बेटा, है ना, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे इज द मोनोपोली मार्केट बेटा। सो मोनोपोलिस्टिक का मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड सेलिंग व्हाट, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। देखो एक होता है सब्स्टिट्यूट परफेक्टली, और एक होता है क्लोज। क्या नाइकी के शूज और आदिदास के शूज एकदम सेम है, एकदम डिट्टो सेम है? नहीं, थोड़ा तो डिफरेंस है, थोड़ा तो डिफरेंस है, थोड़ा तो डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। लेकिन हाँ, अगर मुझे नाइकी का नहीं पहनना है तो देखो, ये देखो मैं पुमा का खरीद लिया मैंने, ठीक है, यस और नो। अगर आपको लगता है ना शुभम सर को बहुत खुश करना है, तो मेरे को एकदम बढ़िया वाले ना नाइकी के शूज ऑर्डर कर देना। कभी ऐसा लगे, कभी भी जिंदगी में, ऐसा नहीं बोलूं अभी, कभी भी जिंदगी में लगे सीएस बन जाओ, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो बढ़िया सा क्या करना, नाइकी का शूज दे देना। कभी याद आ जाए आपको, अरे यार एक सर थे मतलब पढ़ाते थे, अभी भी जिंदा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है ना, कभी भी भेज दिया करो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी आपकी कमाई से भेजना, है ना, आपकी कमाई से भेजना, पेरेंट्स की कमाई से नहीं। चलिए, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलिंग व्हाट, क्लोज सब्स्टिट्यूट। सर आप दे दो, सर कॉलेज जाना है,
शूज नहीं है आयशा, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, लेके जा बेटा तू, लड़कों वाले पहन ले कोई नहीं, बट मेरे पैर बहुत बड़े हैं बेटा, तेरे दोनों पैर एक शूज में आ जाएंगे, सोच तेरे पास दो पैर हो जाएगी, वाह वाह वाह, फिर लेकिन चलेगी ऐसे तू। चलिए ओके, सो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो रहा है कि रिप्लेसमेंट हो सकता है, जैसे मेरे को मोबाइल खरीदना था, ठीक है मेरे पास ऑप्शन है, वन प्लस है, सैमसंग है, नोकिया है, आईफोन है, अदर मतलब एप्पल है, अलग अलग क्या है कंपनी मेरे पास है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कौन सा सब्स्टिट्यूट अपूर्वा, क्लोज सब्स्टिट्यूट। कपड़े खरीदने तो अलग अलग ब्रांड्स है, लेकिन सबके कपड़े सेम नहीं है, डिट्टो सेम नहीं है, किसी का पैटर्न अलग होगा, किसी का कलर अलग होगा, तो दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। ओके सर, लास्ट नंबर ऑफ बायर्स, लास्ट नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यहां पे भी फ्री एंट्री है एंड फ्री एग्जिट है। चलो 10 मिनट रह गए फिर अनाउंसमेंट है बाबा, तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, मतलब यहां पे भी अगर आपको आना है आ सकते हो, जाना है जा सकते हो, और यहां पे भी आप सुनना अच्छे से, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस, समझो लिमिटेड कंट्रोल है ओवर द प्राइस। नाइकी ने अगर 5000 का शूज लॉन्च किया है तो आदिदास 20,000 का लॉन्च नहीं करेगा, वो उसी के रेंज में करेगा, या तो 4500, या तो 4000, या तो 5200। कंपटीशन देना है ना, कंपटीशन देना है तो क्या होगा, मोर एंड लेस सेम होगा, मोर एंड लेस सेम होगा। अच्छा अभी एग्जीक्यूटिव के क्लासेस, सपोज कोई बंदा है जो आपको क्लासेस दे रहा है 5000 में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कोई, लेट से मैं 50,000 में दूंगा क्या, मैं 50,000 दूंगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, मोर एंड लेस सेम रखेंगे, मोर एंड लेस सेम, ताकि कॉम्पिटिशन होगा, करेक्ट है। सो मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक में कोई कंपटीशन नहीं है बेटा, मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं है, यहां की बात कर रहे हैं हम मोनोपोलिस्टिक बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइस, ठीक है सर। अच्छा यार सुनो ना, प्रॉफिट कैसा होगा, नॉर्मल, क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होगा, क्योंकि जहां एक चीज समझ लीजिए, जहां सेलर बहुत सारे हैं ना, प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, यहां एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, हेवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देखो ना कितना एडवर्टीजमेंट करते हैं, बीच में वीवो का एडवर्टीजमेंट कर रहा था अपना ये रणवीर सिंह, और ओप्पो का कर रही थी उसकी वाइफ, उसकी लुगाई कौन, दीपिका पादुकोण, दीपू हाय है ना, आशीष सर है ना, आशीष सर फेवरेट है आशीष सर की दीपिका, मैं बता रहा हूँ एक किस्सा बताता हूँ आपको, एक बार हमको लैपटॉप लेने गए थे हम लोग, तो HP का लैपटॉप का एडवर्टीजमेंट कौन करती है, दीपू करती है, वो उधर पोस्टर होते हैं ना, पोस्टर होते हैं लैपटॉप पकड़े हुई है वहां पे, भाई सब जाके आशीष सर क्या बोलते हैं कि जो दीपिका ने पकड़ा ना वही लैपटॉप चाहिए, मैंने बोला अरे देख तो लो, अरे दीपिका बेचती है अच्छा ही होगा, मैं बोला गजब आशी को यार शादी हो चुकी है आपको कुछ तो शर्म करो, बोले और तो और वो मूवी देखने गए थे हम लोग बाजीराव मस्तानी, वो गाना लगा था ना मैं दीवानी दीवानी, तब आशीष सर का रिएक्शन ऐसे फैल के बैठे हैं, ऐसे एकदम पहले ऐसे बैठे थे चुपचाप से, ऐसे फैल के बैठे हैं ना कि भैया बस मेरे लिए डांस कर रही वो, फिर मैम थे बाजू में जोर से ना बोले इधर है मस्तानी उधर क्या है ना, तो देखिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा, क्लास बेटर 10 मिनट में खत्म करेंगे, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हैवी एडवर्टीजमेंट होगा, हैवी एडवर्टीजमेंट होगा, मतलब सब लोग अपने अपने एक्टर्स को ले रहे हो, एक्ट्रेसेस को ले रहे हो एडवर्टीजमेंट करने के लिए, सो हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है। डिमांड कैसी होगी बताइए, डिमांड कैसी होगी, नहीं बस खत्म, आज खत्म कर देंगे यार चैप्टर को, नया चालू करेंगे कल से, नया चालू करेंगे कल से। डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन है तो डिमांड कैसा होगा यार, इलास्टिक, डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक, ठीक है। चलिए डन, क्या ये तीनों टाइप हो गए आपके, अब दो टाइप और है, छोटे छोटे हैं, एक है ओलिगोपोली और एक है डियोपोली, बहुत ईजी है, इसमें ना आपको दो तीन पॉइंट बता रहा हूं, उतना लर्न कर लेना, बस उतना लर्न कर लेना। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर, और फ्यू सेलर मतलब यहाँ पे 3 to 5, फ्यू सेलर मतलब 3 to 5 एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फ्यू सेलर मतलब 3 to 5 सेलर है और बायर बहुत सारे हैं, जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है ना, टूथपेस्ट इंडस्ट्री करते हो क्या, सुबह सुबह करते हो क्या, सच्ची बताओ कितने व्यक्ति करते हैं, सच्ची बताओ बहुत बढ़िया, सभी करते होंगे ना, क्या मैं कर रहे हो, देखो सब लोग आंसर हाँ मैं सभी करते हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, जैसा कौन सा रॉकेट लॉन्च कर दिया तुमने, मैंने किया, अरे ठीक है। फ्यू सेलर, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ले लो, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक नहीं, हाँ बेवड़े लोग, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी कोक वगैरह ये
है ना। तो ओलिगोपोली का मतलब होता है जिस मार्केट में फ्यू सेलर है, 3 से लेके 5 सेलर है। सर आप ड्रिंक करते हो? मैं नहीं करता हूँ ड्रिंक भैया, मैं कभी नहीं किया लाइफ में, मतलब मुझे कभी लगता नहीं करने का। ड्रिंक, नॉनवेज, सिगरेट, हुक्का, ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। मतलब मुझे नहीं कभी ऐसा लगा नहीं, कभी ऐसा नहीं। मेरे सारे दोस्त करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, नॉनवेज खाते हैं, उनके साथ तो नहीं बैठता हूँ मैं, लेकिन हाँ बैठता हूँ, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं ऐसा कि करना चाहिए। 11 से ड्रिंक करता हूँ। हाँ तू तो पक्का बेवड़ा है बेटा। चलिए, सो फ्यू सेलर मतलब 3 से 5 सेलर है, 3 to 5 सेलर है, एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर बहुत सारे हैं, बायर बहुत सारे हैं। मतलब आपका दिल नहीं टूटा? अरे मैं बोला ना, मैंने कोशिश बहुत की रहे, लेकिन कोई हुआ नहीं ना कुछ। चलिए, सो फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलर 3 से 5 है, बायर बहुत सारे हैं, बायर बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कंपटीशन होगा यार, क्योंकि मुझे बताओ, सुनो ना सुनो ना, एक ऐसा आपके यहाँ पे भी बिल्डिंग होगी जहाँ पे है ना क्लासेस, एक बिल्डिंग में 4-5 क्लासेस है, तो क्या उनके बीच में कंपटीशन खतरनाक होता है? है ना खतरनाक। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा किस्सा बता रहा हूँ। अपने जो अपने अपने जो पुणे में क्लासेस है ना, तो अपना मेन फ्रंट गेट पे क्लासेस है, और सीए क्लासेस वहाँ पे ज़्यादा है, सीएस के तो एक आधी क्लासेस है, तो इतना कंपटीशन है भाई साहब, प्रेस्टीज पे है, मैं बता रहा हूँ इतना कंपटीशन है। वो बंदा 11th का आया है, उसको सीए फाइनल का पैम्पलेट पकड़ा दिया, क्योंकि बाहर लोग खड़े हैं, अब उनको तो पता नहीं बच्चे कौन है, सीए फाइनल का पैम्पलेट पकड़ा दिया, वो भी ले लेता है, बोले चलो गाड़ी साफ करने के लिए काम में आएगा। आई हाई हाई हाई, मतलब इतना कौन, कभी कभार तो जब हमको पकड़ा देते, अरे भाई हम पढ़ाते हैं, फिर हमको बोलना पड़ता है, अरे हम ही पढ़ाते हैं 2-3 साल पहले, ठीक है। तो ऐसा होता है, प्राइस कंपटीशन बहुत होगा, प्राइस कंपटीशन बहुत होगा, क्योंकि 3 से 5 सेलर है, ठीक है। कार आ सकती है ओलिगोपोली में, कार भी ओलिगोपोली मार्केट में आ सकती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ याद रखना, फिर भी इसको बोलते हैं किंग्ड डिमांड करो। यहाँ पे डिमांड करो कैसे आएगा? किंग्ड, क्यों कैसे नहीं समझना है, किंग डिमांड करो कैसे, किंग डिमांड करो आएगा, सुनना अच्छे से, ये ऐसा इसका ड्राइंग ऐसा आएगा, क्यों आएगा नहीं पूछना, नहीं क्यों, क्योंकि सिलेबस का नहीं है, आधा घंटा लग जाएगा उसको बताने के लिए, सिलेबस में नहीं है, जस्ट इन केस कभी कभार पूछ ले तो हमको एमसीक्यू में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर डिमांड करो कैसे आ रहा है, किंग्ड डिमांड करो आ रहा है। हमारे सिलेबस में नहीं है, आप मॉड्यूल उठा के देख लीजिएगा, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, जस्ट इन केस पूछ ले तो अगर पूछ ले कि इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट द शेप ऑफ डिमांड कर्व विल बी डैश डैश, तो क्या बोलोगे? किंग्ड डिमांड करो, किंग डिमांड करो, किंग डिमांड करो, ठीक है। एंड लास्ट मार्केट जो है ड्यूओपोली, ड्यूओपोली मतलब 2 सेलर, बस इसमें इतना याद रखना, 2 सेलर, ड्यू मतलब 2 2 सेलर। नॉर्मली आपको देखा एटीएम कार्ड जो आते हैं ना, डेबिट कार्ड, उसके नॉर्मली 2 ही कंपनी है, एक तो मास्टर कार्ड और एक वीजा, नॉर्मली रुपए का भी आता है, लेकिन उसको हम ड्यूओपोली बोल सकते हैं, 2 ही है, बहुत भूख लगी है बस खत्म। ड्यूओपोली मतलब 2 सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, दैट्स इट। ओलिगोपोली में 3 से लेके 5 सेलर है बेटा, ओलिगोपोली में 3 से लेके 5 सेलर है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? टूथपेस्ट ले सकते हो, या इसका एग्जाम्पल आप और क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ले सकते हो, किसका? ओलिगोपोली का सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। और यहाँ पे ड्यूपोली में मतलब 2 ही है, नहीं कोई, 2 2। नॉर्मली मास्टर कार्ड वगैरह आता है ना, डेबिट कार्ड, उसमें, दैट्स इट। हमने चैप्टर खत्म कर दिया है, ओम शामो शा शा शा, है ना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपन आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो ज्वाइन करिएगा, मजा आएगा आपको, कुछ नया करने जा रहे हैं हम लोग इस बार, और बेहतरीन, और कुछ अच्छा, और 10 बजे का अनाउंसमेंट तो और भी खतरनाक है, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, और देखते रहिएगा यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। टेस्ट का बिल्कुल आएगा, टेस्ट सीरीज आपका एक चैप्टर हो गया, विल स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज बेटा। एंट्री एग्जिट ओलिगोपोली ड्यूओपोली में हमको नहीं करना है बेटा, नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलिए कर दूँ मीटिंग ऑफ आपकी, बाय बाय, मिलते हैं अनाउंसमेंट में, मिलते हैं बेटा।